ये जो पॉइंट दे रखे तीन, ये दोनों, ये तीनों आके सरे की है या नहीं है, वो लीन रहेंगे याद कर लो। सरे की मतलब क्या होती है, सीधी लाइन पर है या नहीं, या फिर थोड़ी तीसरी लाइन है, ये हमें क्या करना है, याद करना है। जैसे मान लो तीन पॉइंट है ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट ए की रेखा पर आते हैं या फिर नहीं आते, अब कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे अगर मान लो ये पांच होती, अगर इसकी दूरी पहले ज्ञात करें ए और बी की दूरी, फिर इसकी दूरी ज्ञात करेंगे हम बी और सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसकी ज्ञात करेंगे हम ए और सी की ज्ञात करेंगे। जैसे अगर मान लो ये दूरी पांच आ रही है, ये दूरी सात आ रही है, तो ये कितनी होनी चाहिए, बारह होनी चाहिए। अगर हो गई तो रेखा सरे की है, और नहीं हुई तो रेखा सरे की नहीं है। तो हम पहले ए बी का दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी कितनी है, फिर बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर किसकी ज्ञात करेंगे, ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे। और अगर इन तीन किन्हीं दो के, आपको जरूरी नहीं है कि ए बी सी या ऐसा कोई, यानी यहाँ ए और बी यहाँ सकता है, सी बीच में जा सकता है, तो कुल मिला के दो छोटी संख्याओं का योग एक बड़ी संख्या के योग के बराबर मिलेगा, रेखा क्या है, सरे की, और नहीं मिलेगा तो सरे की नहीं है। ये हमें देखना है सरे की है या फिर नहीं। अब हमें ज्ञात करनी है दूरी, दूरी का या डिस्टेंस का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले दूरी ज्ञात करेंगे AB की, तो हमें AB वाले पॉइंट ज्ञात करेंगे, पहले में से पहला घटाएंगे दूसरे में से दूसरा, ये रहा AB, ध्यान दो पहले में पहला घटाएंगे, पहले में से पहला दो माइनस ए का होल दूसरे में दूसरा घटाएंगे, तीन माइनस पांच लिखो तो भी राइट है और पांच माइनस तीन लिखो तो भी राइट है। अब यहाँ क्या लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा है, याद है इन दोनों के पहले वाले का जोड़ हो रही क्या करेंगे हम, बाकी घटेंगे, दो में से ये गया एक का स्क्वायर, और यहाँ देखो पांच और तीन दोनों जुड़ रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे, पांच में तीन कितना है आपके दो का स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक, और ये आ जाएगा आपके चार, ये हो जाएगा कितना आपके पांच, ये कितने हैं आपके पांच। अब है आपके बीसी, बीसी देखो ये दोनों ले, पहले में से पहला घटाएंगे, मतलब माइनस के दो में से हम क्या घटाएंगे, दो घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा घटाएंगे, मतलब माइनस के ग्यारह में से घटाएंगे कितना, तीन घटाएंगे का होल स्क्वायर। अब याद समझ नहीं आ रहा तो याद देख लो, पहला पहला ये दोनों देखो एक प्लस का बाकी हो रही है, माइनस हो रहा है क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दो और दो कितना होते हैं चार का स्क्वायर, यहाँ दोनों देखो आप क्या हो रही है, माइनस हो रहे हैं ग्यारह माइनस का प्लस का, तो जोड़ देंगे ग्यारह और तीन कितना होते हैं चौदह का स्क्वायर, चार का हो गया कितना सोलह, और चौदह हो गया आपके एक सौ छिन्नू, ये हो गए आपके दो सौ बारह। इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे हम एसी की जगह इसमें और इसमें दूसरी माइनस पहली एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब पहले से पहले माइनस करो, माइनस दो में से घटाएंगे एक, माइनस के दो में से घटाएंगे एक, बीच में माइनस चिन्ह है वो इसका चिन्ह है साइन का, ये तो है माइनस टू और ये है प्लस का एक, बीच में कौन सा है माइनस का प्लस, दूसरा दूसरा घटाएंगे माइनस के ग्यारह में से घटाएंगे कितना पांच का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे देखो, यहाँ दोनों में क्या हो रही है बाकी हो रही है, माइनस हो रहा है हम जोड़ देंगे, दो और एक कितना होता है आपके तीन का स्क्वायर, यहाँ दोनों देखो आपके माइनस हो रहे हैं, हो रहे हैं माइनस प्लस माइनस माइनस हम जोड़ देंगे ग्यारह का कितना होता है सोलह का स्क्वायर, क्या तीन का होता है नौ, सोलह होता है दो सौ छप्पन, दोनों को ऐड कर लेंगे ये होता है दो सौ पैंसठ। अब क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपके एसी भुजा, सबसे बड़ी है एसी का जोड़ क्या, दोनों के जोड़ से मिलता है ए बी प्लस बी सी, पहले एसी, एसी का जोड़ तो कितना है बताओ आपके अंडर रूट का दो सौ पैंसठ, फिर इन दोनों का जोड़ ए बी प्लस बी सी, मतलब अंडर रूट का पांच प्लस अंडर रूट का दो सौ सोलह, इनका जोड़ ही नहीं होता है, जोड़ होता ही नहीं, वैसे ऐसे नहीं कि दो सौ बारह और पाँच सत्रह हुए,
यहाँ पे अनुरूढ़ पांच, यहाँ पे अनुरूढ़ पांच होता तो होता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो ये जुड़े ही नहीं, तो इसके बराबर आए ही नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी से, तो ये रेखा सरेखी भी नहीं है। उदाहरण भी दे रखा है आप, उदाहरण में है सरेखी, ये यहाँ आपके सरेखी नहीं है। लीजिए मैं नो, यस नो, ये सरेखी नहीं है, क्योंकि इनका